अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कौरमे की रेसिपी। आज हम चिकन कौरमा तैयार करने जा रहे हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। जिस तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर कौरमा तैयार होता है, सेम उसी तरीके से आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी उसी तरीके से पसंद आएगी जिस तरह आपने मेरे पहले की कौरमे की रेसिपीज को पसंद किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो यहाँ पर हमने चिकन लिया है, 1 पाव प्याज है, ग्राम में देखें तो 250 ग्राम हमने प्याज ली है, उसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया। 250 ग्राम ही ऑयल है, आप चाहें तो इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। 250 ग्राम दही है, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर शामिल है और 1/2 टीस्पून जावित्री का पाउडर शामिल है और 4 से 5 हरी इलायची का पाउडर भी हमने इसके अंदर शामिल किया है, 1 टीस्पून ये है। और गर्म मसाले के अंदर 20 से 25 काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 5 से 6 हरी इलायची है और 3 तेज़पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 टेबलस्पून जीरा है, 10 से 12 लौंग है और खुश मसालों के अंदर हमने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है और इतना ही हमने धनिया पाउडर लिया है यानी 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है या हसबे जरूरत नमक ले लीजिए और लास्ट के अंदर हम केवड़ा वाटर शामिल करेंगे, इसका 1 टेबलस्पून जाएगा। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे, ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं, प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है। ये आप देख सकते हैं ये हल्का ब्राउन हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, आपने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, अगर आप डार्क ब्राउन करेंगे फिर इसको आप कौरमे में शामिल करेंगे तो कौरमे का टेस्ट कड़वा हो सकता है, इसलिए आपने यहाँ पर एहतियात करनी है। जैसे ही हल्का ब्राउन हो आप प्याज को फौरी निकाल लें। यह आप देख सकते हैं प्याज हमने निकाल ली, अब हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे और इसको हम लास्ट में शामिल करेंगे, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम तमाम गर्म मसाले शामिल कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे, 2 से 3 मिनट इसको हमने भूनना है। ये भून चुका, अब इसके अंदर दही शामिल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब जितने भी तमाम खुशक मसाले हैं वो शामिल कर लेंगे, ये हमने तमाम खुशक मसाले शामिल कर लिए। अब आपने जितनी भी मेहनत करनी है यहीं पे करनी है, अब आपने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, इतना अच्छे से भूनना है इसमें बहुत अच्छी तरीके से दाना पड़ जाए, पानी डाल डाल के इसको हम भूनेंगे। फिर से इसमें हम पानी डालेंगे, जैसे इसका मसाला थोड़ा सा खुशक होने लगेगा फौरी हम इस पर चंद कतरे पानी के शामिल कर देंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाले को हमने लगने नहीं देना वरना कौरमे का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, इसलिए पानी डाल डाल के इसको हमने इस तरीके से अच्छे से भूनना है, क्योंकि रेस्टोरेंट में या होटल में जो ग्रेवी होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम ये कौरमा तैयार कर रहे हैं, इसलिए पानी डाल डाल के बहुत अच्छे से हमने इसको भूनना है। यह आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के बहुत अच्छी तरह भूना है और इसमें कितना अच्छा सा ये दाना पड़ चुका है। ये अब हमारी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 3 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं, अगर कप्स में आप शामिल करें पानी तो आप 6 कप्स पानी के शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने 3 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं। अब हमने हाई फ्लेम पर इसको इसी तरीके से खुले में पकाना है कि इसके 3 गिलास के 2 गिलास पानी रह जाए और 1 गिलास पानी खत्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पका लिया, 2 गिलास पानी रह चुके हैं, 1 गिलास पानी इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर रहे हैं, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं, प्याज को हमने हाथों से इस तरीके से कष्ट कर लेना है।
आप चाहें तो इसको इमाम दस्ते के अंदर भी पीस सकते हैं, बस इसका आप पेस्ट मत बनाइएगा, क्योंकि दानेदार कौरमा अगर आपने बनाना है तो हाथों से इसी तरीके से कष्ट कर लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। अगर आपकी प्याज थोड़ी सी नरम पड़ जाए तो आप इसको इमाम दस्ते में कूट लीजिए। ये इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दी। अब हम इसे गलने के लिए रख देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए, और फ्लेम को हमने हाई पे ही रखना है। हाई फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। हमने इसकी भुनाई कर ली। अभी हमारा चिकन तैयार है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रखना है, शोरबा रखना है, इसलिए मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। 1 कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच केवरा वाटर शामिल कर रही हूँ। अगर केवरा वाटर ना हो तो आप इसमें रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे यह होगा कि हमारा जो चिकन में जो खुशबू है कौरमे की, वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। 10 मिनट के बाद ही हमारा कौरमा तैयार है। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा ये कौरमा तैयार हुआ है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसे निकालते हैं। यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी ग्रेवी बनी है। कितना मज़ेदार सा हमारा ये कौरमा लग रहा है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।